हाय देव, वेलकम टू माय चैनल घास फूस टमाटो और पास्ता। वेल यू ऑलरेडी नो ये कौन सा चैनल है। मैं आपके साथ आरजे रंजन, और आज आपको अपने सीड से ग्रोन ये टोमेटो प्लांट्स मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ये लगभग 2.5-3 महीने पहले मैंने सीड से ग्रो किए थे। मेरे पास ऐसे 10-15 टोमेटो प्लांट्स हैं, लेकिन सबसे पहले जो सीड्स मैंने बोए थे उसका रिजल्ट ये है। और आई एम नॉट श्योर ये हाइब्रिड टोमेटो है कि देसी टमाटर है। घर में किचन में जो आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी मुझे ये फ्रूट मिला टमाटर का, मैंने उसे उठाया और 4-5 टमाटर लिए थे कि 2 लिए थे, उनके स्लाइसेस करके उनके सीड से ये प्लांट्स निकले हैं। तो ये रिजल्ट है अब तक। और आई थिंक लास्ट ईयर भी मैंने टमाटर उगाए थे। 100-120 दिन में टमाटर पूरा तैयार हो जाता है। और यू विल बी अमेज्ड टू नो टमाटो इज नॉट अ वेजिटेबल, यस इट्स अ फ्रूट। और ये एक ऐसा फल है जिसे हम रोज सब्जी में खाते हैं, और इंडियन कुकिंग के अंदर तो खास तौर से गब्बर ने कहा है, नहीं गब्बर ने तो नहीं कहा है, मैं कहता हूँ जो टमाटर नहीं तो सब्जी नहीं। जो डर गया समझो मर गया, और जो टमाटर नहीं खाया समझो वो कुछ भी नहीं खाया उसने। तो खैर, इट्स वेरी इजी टू ग्रो। मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बताया था कि टमाटर ग्रो करना बहुत आसान है अगर आप फर्स्ट टाइम गार्डनर हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आप किसी तरह का ऐसा फ्रूट उगाएं जो आप खा सकें। अरे यहाँ तो एक जोक बन गया, दैट यू कैन हैव फ्रूट्स ऑफ योर फ्रूट, अपनी मेहनत का फल। तो टमाटर जरूर उगाइएगा, इट कुड बी हाइब्रिड, इट कुड बी देसी टमाटर, और या चेरी टोमेटो आप जरूर उगाइएगा। मैं चेरी टोमेटो इस बार उगाना थोड़ा सा लेट हो गया, तो जरूर उगाऊंगा चेरी टोमेटो के मैंने इस बार सीड्स लगाए हैं। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इसके ऊपर 15-20 टमाटर आए हुए हैं सिंगल प्लांट पे, और जैसा आप देख सकते हैं ये एक अर्दन पॉट में लगा है। 10 इंच का ये गमला है, और मुझे लगता है और 15-20 दिन में या महीने के अंदर ये इसकी साइकिल पूरी हो जाएगी और ये टमाटर अपने आप राइप होना चालू हो जाएंगे, और लाल सुर्ख बढ़िया टमाटर आपको मिलेंगे जैसा आपने सोचा भी नहीं होगा। रियली टेस्टी टू ईट। और ये देखिए छोटे छोटे टमाटर कैसे उगते हैं। पहले तो ये येलो कलर के इस तरह से फूल आते हैं, ये बंचेस में आते हैं, 10-10, 5-5 इस तरह से बंचेस में फूल होते हैं, 5-5 के ज्यादातर, 5 या 6, और फिर वो धीरे धीरे इस तरह से टमाटर बन जाते हैं जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये छोटे छोटे टमाटर हैं, ये बेल्स की तरह आपको टंगे हुए दिखेंगे इन प्लांट्स पर, और फिर वो धीरे धीरे बड़े होते हुए अपने प्रॉपर साइज में आ जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये फ्रूट नहीं उगाया है तो जरूर उगाइएगा मेरे कहने पे, एंड यू विल रियली एंजॉय एंड यू विल लव दीज टमेटोज। इनके लिए भी वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए आपको, इस तरह की मिट्टी चाहिए जिसपे पानी रुके नहीं, और इनको रोज आप पानी दे सकते हैं, बस पानी रुकना नहीं चाहिए गमले के अंदर। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू सम अदर टाइम फिर से किसी और नए नाम के साथ, जैसे कि घास फूस टमाटर और पास्ता। सो टिल द टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर। टमाटर की तरह अपने गाल लाल कीजिए, अपनी सेहत बनाइए। बाय बाय।